गुजारिश में है मियां साहब की शेर है अठे शेर है तो बगा बगा के मारेंगे इंशाल्लाह। जो लोग हैं ये जैसे मैं इनसे गुजारिश करता हूँ उसे के अमल में कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी है, सिर्फ अमन एहतजाज करना है, कोई शरारत नहीं करनी और हम ये एहतजाज करते रहेंगे, उस वक्त करते रहेंगे जब तक ये दहशतगर्दारी दाल से ऐन नहीं हो जाता इस मुल्क से। भरने के लिए इस्लामाबाद पहुंचना है, ले आएंगे और हम इंशाल्लाह इतनी देर तक धरना देंगे जब तक ये चीफ जस्टिस बहाल नहीं हो जाता। ये एनआरओ वाले नेशनल रिकंसिलिएशन, ये क्या नेशनल रिकंसिलिएशन हुई है कि तमाम जुराइम जो हैं ये इसके माफ कर दिए गए हैं। इस एक बंदे के लिए इस क्वालिफिकेशन जो थी ग्रेजुएशन वाली वो भी खत्म कर दी है। ये डोगरा कोर्ट है, इसको लोग कहते हैं डोगर कोर्ट, मैं कहता हूँ डोगरा कोर्ट है। ये मुसलमान नहीं है, बंद रहते हैं बेशक। इस डोगरा कोर्ट को हम नहीं मानते, नहीं मानते हम, नहीं मानते इसको, कुछ भी हो जाए। और गुजारिश ये है, यही वही डोगरा कोर्ट है जिन्होंने आसफगर्दारी को क्वालिफाई कर दिया, जिन्होंने आसफगर्दारी की सारी करप्शन को दफन कर दिया नारों के तहत। अगर ये बहाल हो के आगे चीफ जस्टिस के साथ मिल के जो काम किए हैं वो हमें इंसाफ से दूर हो गए हैं। इस जज ने पहली दफा एक जर्नैल के सामने कलमा हक कहा कि मैं नहीं इस्तीफा देता, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अब शुरुआत हो चुकी है। मैंने एक दफा कह दिया एक दिन जाना होगा, मैं देख चलूंगा, तू जाएगा नहीं। इससे कोई मकतल न गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं।